बुंदेलखंड के सागर में बस ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही हड़ताल धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेती जा रही है। रोजाना इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। लगातार मिल रहे समर्थन की वजह से 13 अगस्त को सागर बंद का ऐलान किया गया है। वहीं शनिवार की शाम ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग अपने हाथों में मशाल थाम कर सड़कों पर उतरे और बस स्टैंड वापस दो, बस स्टैंड वापस दो के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मशाल जुलूस प्राइवेट बस स्टैंड से शुरू होकर तीन मड़िया, परकोटा, तीन बट्टी, कतरा, राधा तिराहा से होते हुए कीर्ति स्तंभ के पास पहुंचा और वहीं पर संपन्न हुआ। दरअसल सागर में 5 अगस्त से यात्री बस हड़ताल चल रही है। बस ऑपरेटर एक सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है, जब तक यात्री बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से नहीं किया जाएगा, तब तक वह हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। 2 दिन बाद नगर बंद का ऐलान किया गया है, जिसका व्यापारिक संगठनों ने समर्थन किया है। वहीं ऑटो और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बस यूनियन के चैतन्य कृष्ण पांडे का कहना है कि जनता के हित में पुराना बस स्टैंड चालू किया जाना चाहिए। न्यू बस स्टैंड शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यात्रियों को दोगुना किराया चुकाना पड़ रहा है। पहले वह बस से स्टैंड या मकरोनिया तक आते हैं, फिर ऑटो या सिटी बस में बैठकर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के जेब पर बोझ बढ़ गया है। समय भी ज़्यादा लग रहा है, जिससे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। इसी वजह से यात्रियों का बसों में सफ़र करना भी कम हो गया है। इसका असर मोटर मालिकों पर साफ देखा जा रहा है। रोजाना जेब से डीजल डलवाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दिया है। रक्षाबंधन का त्यौहार चौखट पर होने की वजह से प्रशासन ने मुसाफिरों की परेशानियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। इसके लिए नगर निगम के द्वारा संचालित की जाने वाली सिटी बस को अब ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन यह बस सेवा नाकाफी साबित हो रही है। रक्षाबंधन पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग बसों से ही आना जाना करते हैं, ऐसे में उनको परेशानी होना निश्चित है।